सो हाय गाइस, वंस अगेन। सो ये मेरे 3 रिएक्शंस थे, बेस्ट 3 सॉन्ग्स ऑफ डिवाइन फॉर मी। सभी सॉन्ग्स अच्छे ही हैं सभी रैपर्स के सबके, लेकिन ये 3 सॉन्ग्स मेरे लिए क्यों इतने बेस्ट है। जैसे कि एमयू वनटाई के 4 सॉन्ग्स, वो मेरे लिए बेस्ट क्यों थे, उसके क्या क्या लिरिक्स थे, वो कैसे कोरिलेट होते हैं सभी हम लोगों के रियल लाइफ से। वैसे एमयू वनटाई को मैंने ट्रिब्यूट किया था, सेम वही डिवाइन के लिए है ये 3 सॉन्ग्स। ये मेरा बॉम्बे, फिर उसके बाद में क्या नाम है उसका, स्लम सिटी स्लम्स फिट डिवाइन विथ राजा कुमारी, और ये तीसरी मंजिल। ये तीनों सॉन्ग्स बहुत ही ज़बरदस्त लिरिक्स हैं, बीट पंचेस, उसका म्यूजिक और लिरिक्स तो डिवाइन के फायर है ही बॉस, वो तो लिरिक्स किंग बोला जाता है उसको। इसी वजह से एक एक वर्ड उसका से हिट करता है आपके दिमाग में, अगर आप समझ सकते हो तो। सो, ये मेरा ट्रिब्यूट है जो मेरे तीनों सॉन्ग्स के ऊपर रिएक्शन बनाए हैं। मैंने वैसे तो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में वो सॉन्ग्स बहुत बार सुने, तीनों के तीनों सॉन्ग्स बहुत बार सुने हैं मैंने, अनलिमिटेड हज़ार बार सुने होंगे, लेकिन दो दो तीन तीन बार मैंने रिएक्शन भी किया है उसके ऊपर, अपना एंजॉयमेंट डांस फन सब कुछ किया है। सो आप भी म्यूज़िक एंजॉय कीजिए और प्राउड फील कीजिए, क्योंकि अगर किसी को हम किसी चीज़ पे प्राउड फील कर सकते हैं एज ए इंडियन, तो आई गेस मुझे लगता है कि आर्टिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, और आर्टिस्ट लोगों के इसमें टॉप पे आएंगे डिवाइन, एमयू वनटाई, जो खुद से म्यूजिक रहेगा, लिरिक्स रहेगा, सॉन्ग्स रहेंगे, जो कुछ क्रिएट करते हैं वो बहुत एडमायरेबल है। सो ये मेरा ट्रिब्यूट है डिवाइन के लिए, एमयू वनटाई के लिए पहले बनाया था, अभी ये डिवाइन के लिए। सो यस गाइस, डू चेक आउट ऑल दोज वीडियो, और मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पहले के जो कुछ स्टडी से रिलेटेड जो कुछ वीडियो, राइटिंग रीडिंग से रिलेटेड जो कुछ वीडियो है, फिर उसके बाद में डिप्रेशन ये सब भी बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो उसके बारे में भी देखिए आप। एंड और ये 3 सॉन्ग्स इतने ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये मेरा बॉम्बे प्रेजेंट करता है रियल बॉम्बे को, स्लम जो है बॉम्बे में 60% जो स्लम है बॉम्बे में, उस बॉम्बे को रिप्रेजेंट करता है, उसके पॉजिटिव निगेटिव्स उसमें दिखाता है। फिर उसके बाद में सिटी स्लम्स जो सेकंड सॉन्ग है उसमें भी वही है, और तीसरी मंजिल में डिवाइन ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है हर किसी को कि आप कहाँ से आते हो उसको मत भूलो, गली को मत भूलो। आप अगर गली से हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं गली बॉय हूँ, गली बॉय बताने की ज़रूरत नहीं, आप हो तो हो, ये भी उसमें बताया। फिर उसने बताया कि मैं क्या हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, देख बेटा देख मुझे छूना नहीं, ये भी बहुत मस्त लाइन्स है उसके। सुपारी लेते हैं हम, छूना नहीं, ऑसम लाइन्स है। उसके बाद में पैसे के बारे में उसने बोला है कि पैसे के बारे में सभी सोचते हैं, पैसा सभी को चाहिए, ऐसे तोलते नहीं लंगोट है, मतलब एक पर्सन का मैनहुड, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्या बोल सकते हैं यार, उसका बीइंग अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमन, मतलब लड़की रहने दो, लड़का रहने दो, बीइंग अ ह्यूमन, वन सेकेंड ओके, बीइंग अ ह्यूमन कैसे होना चाहिए, और भी बहुत सारी है चीज़ें उसमें। तो सो लिसन ऑल दोज सॉन्ग्स एंड माय ट्रिब्यूट टू द लीजेंड ऑफ डिवाइन। यस, पीस, थैंक यू गाइस, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए, बताइए, लेट्स कम्युनिकेट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड पीस, बाय, टेक केयर, अगले वीडियो में मिलेंगे।